तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो, वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश। और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो की एक रिमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड ट्रायप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी। और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने। और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह, मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने। इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी। और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी। लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते इस मूवी को कैसे देख पाओगे। अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है। आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है। तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है। और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो, वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करने
करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का एक टाइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था Viacom 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस मूवी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस मूवी को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का एक टाइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज
मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भट्ट, यूयू हनी सिंह एंड मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी। और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते इस मूवी को कैसे देख पाओगे। अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल चुके, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है। तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुके हैं। और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे
करेंगे गब्बर इस बैग मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के टाई अप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था Viacom 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को टेलीविजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इस बैग मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के टाई अप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज
मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिला के रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस मूवी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस मूवी को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसाली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी एआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसाली भैयाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिला के रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी। और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे। अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुके, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है। तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुके, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे
करेंगे गब्बर इस बैग मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसाली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का एक टाइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था Viacom 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इस बैग मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसाली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्राइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज
मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी फर्स्ट मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे की, 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का एक ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी फर्स्ट मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे की, 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इस बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी एयर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्रायप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी। और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली, भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने। इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे। अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है। आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है। तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है। और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है। आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करने
करेंगे गब्बर इस बैग मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ए आर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का एक टाइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली, Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था Viacom 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इस बैग मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ए आर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्राइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली, Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज
मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिला के रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को टेलीविजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिला के रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को टेलीविजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले। मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को सूच लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी। और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने। और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने। इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे। अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है। आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है। तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को टेलीविजन प्रीमियर हो चुकी है। और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले। मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को सूच लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे
करेंगे गब्बर इस बैग मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ए आर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के टाइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली, Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था Viacom 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे की, 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुके, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इस बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ए आर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के टाइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली, Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज
मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी फर्स्ट मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भट्ट, यूयू हनी सिंह, मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी फर्स्ट मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है, अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले हैं। मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो, वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इस बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी। और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का। और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसल ने। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी। और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने। और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरफ शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भट्ट, यूयू हनी सिंह एंड मनोज मूसिक। और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने। इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी। और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी। लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते इस मूवी को कैसे देख पाओगे। अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है। आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है। तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है। और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है। आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है, अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले हैं। मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो, वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करने
करेंगे गब्बर इस बैग मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसाली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के टाइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था Viacom 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इस बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसाली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के टाइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यू हनी सिंह और मनोज
मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तेनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी फर्स्ट मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भैयाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भट्ट, यूयू हनी सिंह एंड मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तेनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी फर्स्ट मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है, अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले। मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो, वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इस बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी। और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का। और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी। और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने। और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरफ शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह एंड मनोज मूसिक। और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने। इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी। और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी। लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते इस मूवी को कैसे देख पाओगे। अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है। आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है। तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है। और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है। आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है, अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले। मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो, वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे
करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का एक टाइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था, मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था Viacom 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस मूवी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस मूवी को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का एक टाइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था, मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज
मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी फर्स्ट मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोग को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भैयाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भट्ट, यूयू हनी सिंह एंड मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी फर्स्ट मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी। और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह, मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते इस मूवी को कैसे देख पाओगे। अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल चुके, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है। तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुके हैं। और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे
करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का एक टाइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था Viacom 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस मूवी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस मूवी को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का एक टाइप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज
मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी फर्स्ट मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिला के रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को टेलीविजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह, मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी फर्स्ट मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिला के रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को टेलीविजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो, वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश। और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी। और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली, भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने। और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक। और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने। इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी। और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी। लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते इस मूवी को कैसे देख पाओगे। अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल चुके। आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है। तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुके। और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है। आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो, वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे
करेंगे गब्बर इस बैग मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के टाई अप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था Viacom 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इस बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के टाई अप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज
मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिला के रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी एआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्रायप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली भैयाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिला के रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले। मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को सोच लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात गब्बर इस बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो की एक रिमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था। और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के ट्रायप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी। और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इसमें बनाया गया था। प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली, भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भायाकॉम 18 पिक्चर्स और पेनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हार्ट के और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में। और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते इस मूवी को कैसे देख पाओगे। अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है। आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है। तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है। और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी। और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले। मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे। साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे। मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को सोच लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे। तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करने
करेंगे गब्बर इस बैग मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के टाई अप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली, Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बंसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था Viacom 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिलाकर रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को OTT पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी OTT पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इस बैग मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी यार मुरुदगोदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड के टाई अप था जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रिमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली, Viacom 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज
मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिला के रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे और एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसके बारे में बात ना करूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, और वो कौन सी मूवी है अब लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया। तो गाइस आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो की 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के बारे में हम पूरा रिव्यू आप लोगों को देने वाले, मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी कैसी थी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, बजट, कलेक्शन सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताएंगे, मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे चीजें हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, वो सभी चीजें आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हो वो भी आप कैसे देख पाओगे, वो भी मैं वीडियो के किसी एक एंड पर आपको बताएंगे, तो उसके जानने के लिए आपको इस वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो कभी भी किसी भी जगह पर आप लोगों को बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी तक आपने आज वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, और मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिश, और इस मूवी को हिंदी डेब्यू था इस डायरेक्टर का, और राइटिंग किया था रजत अरोरा ने, और प्रोड्यूस किया था संजय लीला बंसली ने, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मूवी क्योंकि जो कि एक रीमेक मूवी थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी थी ईआर मुरुगदोस की मूवी स्टोरी थी, उन्होंने इस मूवी को लिखा था, और इस मूवी में जो क्रिश जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये साउथ के साथ बॉलीवुड का एक ट्राइप था, जिसके बाद ये मूवी बनाया गया था। मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर खान, और स्पेशल अपीयरेंस पे हमें चित्रंगदा सिंह को भी हम देखने को मिली थी, और मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी में मूवी जो कि 2002 में रिलीज हुई रामाना मूवी के एक रीमेक थी, उस मूवी की स्टोरी को लिया गया था, बाद में जाके इस मूवी को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया था संजय लीला बानसली भायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने, और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिया है नीरव शाह ने, और म्यूजिक दिया है चिरंतन भाट, यूयू हनी सिंह और मनोज मूसिक, और प्रोडक्शन कंपनी थी बांसली प्रोडक्शन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था भैयाकॉम 18 पिक्चर्स और तनारोवा स्टूडियोज ने, इस दोनों ने मिलकर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रिलीज डेट थी 1 मई 2015 को, और मूवी की टोटल कुल मिला के रन टाइम थी 2 घंटे 1 मिनट की थी, और मूवी की बजट थी 79 करोड़ की, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस 135 करोड़ कलेक्शन की, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी, अगर आप जब आपने नहीं देखा वो जोर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार को एक डिफरेंट लुक में देखने को मिली थी, जो कि एक हटके और एक एक्शन रोल में हमें देखने को मिली थी, जो कि ज्यादातर टाइम हमें कॉमेडी रोल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, एकदम ना के बराबर कॉमेडी है इस मूवी में, और मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप लोगों को अभी इस मूवी को देखना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी को कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को ओटीटी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहो तो ये मूवी ओटीटी पर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मूवी को टीवी पर देखना चाहते हो तो इस मूवी के सभी राइट्स को जी नेटवर्क ने बाय कर रखा है, तो अगर आप इस मूवी को टेलीविजन राइट्स देखना चाहते हो टीवी पर, तो इस मूवी को बहुत पहले जी सिनेमा पर इस मूवी को रिलीजन प्रीमियर हो चुकी है, और फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो कभी कभी इस मूवी को जी सिनेमा पर अभी भी प्रीमियर किया जाता है, आप चाहो तो जी सिनेमा पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।